कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है मंडे और आज से सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जॉब, स्कूल्स, ईद ख़त्म। भाई ईद ख़त्म, अब ईद ख़त्म। अब मैं नहीं बोलूँगी सिक्स ईद मुबारक, ईद ख़त्म। हाँ, बट कल मेरी ईद होगी क्योंकि कल मैं जाऊँगी अपने मामू के घर, तो मैं ज़रूर आपको उधर का भी टूर दूँगी, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। और आज मैं आपको नॉर्मल रूटीन दिखाऊँगी। लाइक मैं सुबह स्टार्ट कर रही थी बट मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि हम कुरान खाने में चले गए थे दिन में, तो अभी आई थी मैं मगरिब से पहले, थोड़ी देर पहले आई, तो मैं बोला मगरिब हो जाए आज के बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी। तो नॉर्मल थोड़ा सा दिखाऊँगी आप लोगों को और फिर इंशाल्लाह कल का पूरा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पूरा दिन आप लोगों के साथ मैं कल शेयर करूँगी। तो चलिए मेरे साथ रहिएगा। आंटा निकोली, आंटा 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 तो आटा निकालती है, ऐसी बात नहीं है। मैं घर के काम भी करवाती हूँ, मैं अच्छी बच्ची हूँ, पढ़ती भी हूँ। पेपर्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुके हैं और इंशाल्लाह न्यू क्लास की शुरुआत हो चुकी है मेरी वो। और अभी मैंने जैसे कि आटा निकाल दिया है, डेली ब्लॉगिंग तो मैं कर लूँगी गाइस, बट दिखाएं भी तो क्या, हम बाहर भी नहीं जाते, मतलब लाइक मैं बाहर खेलने भी नहीं जाती। हाँ, कल मैं जाऊँगी अपने मामू के यहाँ तो वहाँ कर दूँगी, बाहर मैं खेलने जाती नहीं, ना मेरी फ्रेंड घर आती है ना मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ। तो मैंने बोला घर ही घर में बैठे बैठे ब्लॉग डेली ब्लॉगिंग दिखा दूँगी, डेली रूटीन दिखा दूँगी। तो अभी तो इससे पहले जो मैंने ब्लॉग डाला था उसमें बारिश हुई थी, आज भी मौसम बहुत अच्छा था, बट आज मैंने इस वजह से नहीं किया, मैंने आपको बताया मैं कुरान खानी में गई हुई थी तो इसलिए मैं अभी आई थी। तो ये है मेरी छोटी भाभी का रूम, एक टेबल इधर इसलिए है और एक इधर इसलिए है बिकॉज जगह नहीं थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इंट्रेंस से पहले इतना प्यारा सा कर्टन आता है, उसके बराबर में साइड टेबल है जिस पर जाने माज और पटा है, और ये है इंडस की पेंटिंग, लाइक देख लें आप खुद ही देख लें। और इसी के बराबर में है अलमारीज, और अलमारी के सामने है बेड, और बेड के बराबर में है साइड टेबल जिस पर भाभी का रूम मोबाइल पड़ा हुआ है। देन ये हूँ मैं, और ये है ड्रेसिंग, देख सकते हैं आप लोगों ने देखा मेरी भाभी का कमरा। अब मैं दिखाऊंगी आपको अपनी बड़ी वाली भाभी का रूम। तो बड़ी वाली भाभी के कमरे में इंटर होने से पहले कर्टन आता है, कर्टन के साथ हमने ना सेटिंग चेंज की थी वरना हमारी ड्रेसिंग अभी यहाँ आएगी, ये तरह आएगी, वो घर में गए जैसे लगी हुई थी। तो ये सिंग गुंग गुंग, और ड्रेसिंग के साथ साथ है मेरी भतीजी का कॉट हरम, और उसकी अलमारी, अलमारी के साथ हैंग बेड, और बेड के ऊपर जो है ना देख सकते हैं आप लोग, ये है इंडस का, दैट्स इट। और उसी के साथ है अलमारी, अलमारी में मैं आपको अपना पुतला दिखाती हूँ, खैर इधर भी। एंड इसी के साथ डक्ट है ये दरवाज़ा, और ये है कर्टन्स। अब मैं ज़रा खाना खाऊंगी, तरती बन रही नहीं रोटी। ओके जी, अभी हम निकालते हैं खाना 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 खाना। अरे अभी डिश का वो खाए चम्मच खाना में करने के बाद। तो गाइस चलें अब हम खाना खा लेते हैं, आप सब भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। यम 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 दा।
इस रोटी गरम गरम। तो मैं खाना खाती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये वाली दाल मुझे बहुत पसंद है। बहुत मज़ा है बाबा जी, आपने बहुत मज़े का बनाया है। यम यम। आप दीजिए आपको, मैं आपको खाने के बाद मिलती हूँ। Subscribe to my channel.